नमस्कार फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम क्लच बैग बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक कपड़ा लिया है, इसमें हमने आटे का पैकेट लगाया है और ये हमारा लाइनिंग के लिए हमने हमारे पास बचा हुआ जो कपड़ा था हमने उसे लगा दिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसकी लंबाई है 10 इंच, चौड़ाई है 6 इंच। ये हमारा दोनों सेम साइज का कपड़ा है। देखिए हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर दिया और ये हमने जिप लिया है, इसे हम इसमें उल्टा रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे, फिर इसे पलट के हम इसके ऊपर में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सिलाई करके अटैच कर दिया है। अब हम ये दूसरा पीस लेंगे, इसके ऊपर में हम ऐसे रखेंगे और इसे भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से पलट के इसके ऊपर में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अटैच कर दिया है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेंटर में निशान लगाएंगे। तो ये हमने सेंटर में निशान लगा दिया है, ये वेलक्रो इस सेंटर में हम लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने वेलक्रो अटैच कर दिया है जिप में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रनर को इसमें डाल दिया जिप में। अब हम देखिए ये कपड़ा लिए हैं, इस कपड़े के ऊपर में इसे रखेंगे और चारों साइड से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें कपड़े को सिलाई करके चारों साइड से अटैच कर दिया है। ये हमारा पॉकेट बन गया है। ये हमने ये एक स्ट्रिप लिया है, इसकी लंबाई है 14 इंच, चौड़ाई है 2 इंच। देखिए हमने बीच में सेंटर मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे बीच से कटिंग कर दिया। अब हम ये जिप लिए हैं, जिप को इसे इसके ऊपर में रख के सिलाई कर देंगे, फिर इसे पलट के सिलाई कर देंगे, फिर इसे भी हम इस पे रख के सिलाई करेंगे, फिर इसे पलट के सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जिप को अटैच कर दिया है। अब इसे हम ऐसे डबल में फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद ये हमारा सेंटर आ जाएगा, हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसमें भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर में निशान लगा देंगे और इस निशान के साथ में इस निशान को हम रखते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे। जहाँ तक ये हमारा कपड़ा आ जाए वहाँ तक हम इसे सिलाई कर देंगे। दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा सिलाई को ओपन करके छोड़ देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दिया है और इस साइड से भी हमने सिलाई छोड़ दिया है और हमने इस साइड से भी सिलाई को छोड़ दिया है। अब हम एक साइड से रनर को इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमने इसमें रनर को डाल दिया है। ये हमने ये कपड़ा जो लिया है, इसकी लंबाई है 19 इंच, चौड़ाई है 3 इंच। थोड़ा था इस भाग को हम इसके साथ में ज्वाइंट करेंगे, इस साइड से इस साइड भी ज्वाइंट कर देंगे और उसके बाद हम इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे चारों साइड से ज्वाइंट कर दिया और ये हमारा जो खुला हुआ साइड था इसमें हमने इस कपड़े को ज्वाइंट करके सिलाई लगा दिया है और इस साइड भी हमने कपड़े को ज्वाइंट करके इस पर सिलाई लगा दिया है। ये हमारा ज्वाइंट हो गया, आटे के पैकेट में से कटिंग किया है और ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, मेन कपड़ा। चौड़ाई है 6 इंच, लंबाई है 10.5 इंच। देखिए हमने इसे इस तरह से फोल्ड करके गोलाई दे दिया है और हमने कटिंग कर दिया है। इसी तरह से हम इस कपड़े को भी ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से कटिंग कर देंगे, इस कपड़े को भी और इस कपड़े को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर दिया है।
और ये हमारा मेन फैब्रिक नीचे रहेगा। ये हमने लाइनिंग के लिए इस कपड़े को वेस्ट कपड़ा था तो हमने लिया है, और ये आटे का पैकेट ऊपर रहेगा। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे और इस साइड हम खुला छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे सिलाई लगा दिया है। अब हम यहाँ से इसे सीधा करेंगे। तो देखिए हमने इसे सीधा कर दिया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसे कपड़े के ऊपर में इसे रख के सीधे अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सिलाई करके अटैच कर दिया। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिलाई किया है इसे हम इसके ऊपर में रखेंगे, और जैसे हमने इसके ऊपर में इसे सिलाई किया था उसी तरह से हम इसके ऊपर में इसे इस तरह से पकड़ते हुए चारों साइड से सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा दिया। अब हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे और इसे सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सीधा कर दिया। अब हम इसे इस तरह से बंद करेंगे और यहाँ पे इसे नाप लेंगे, ये हमारा वेलक्रो कहाँ पे आ रहा है, और हम इसे सिलाई कर देंगे। इस तरह से वेलक्रो को अटैच कर दिया है और ये हमारा एक पॉकेट हो गया। देखिए अंदर कितना ज़्यादा स्पेस है, और ये हमारा दूसरा पॉकेट हो गया, इसमें भी देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। फ्रेंड्स, आप लोग को ये क्लच बैग वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।